forget to like, share and subscribe. Hello students, today we are going to discuss more problem based on nth term of an AP. Problem number 1. How many 2-digit numbers are divisible by 3? So first discuss 2-digit number from 10 to 99. Of which 2-digit numbers are divisible by 3? So first write. First number which is divisible by 3 is 12. Yes or no? 3, 4, 12. Then after this 15. After this 18. And last 2-digit number is 99, which is divisible by 3. So these numbers are divisible by 3. Now question is, how many 2-digit numbers? Means we have to find n. Now this is AP. 12 plus 3, 15. 15 plus 3, 18. Since A is equal to 12, D is equal to common difference, this minus this, 15 minus 12 equal to 3, n equal to question mark, and this is last term, L is equal to 99. Now apply formula. Since last term is equal to A plus n minus 1 into D. Now substitute all the values. 99 is equal to A means 12, N we don't know, and D common difference 3. Now simplify this. 99 minus 12, so 87 is equal to N minus 1 into 3, dividing both sides by 3. So 87 upon 3, 3 2 ja 6, 3 9 ja 27. And next step, send one dead side. So 29 plus 1 30. So there are 32 digit numbers which are divisible by 3. Next problem. Find the 11th term from the last term of the AP. Abhi toh humne formula kaun sa nikala hai? 7th term from the beginning, 8th term from the beginning. Ab last se aapko 11th term nikalni hai. Just I am giving one simple example. A, B, C, D, E, F, G. 4th term from the last. Means D. Ab isko order change kar do. G, F, E, D, C, B, A. तो दिस टाइम ये क्या हो गया, फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग. तो सेम अप्रोच अपन यहां पे भी लगाएंगे. इलेवेंथ टर्म फ्रॉम द लास्ट, इलेवेंथ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4, ... minus 62 is equal to 11th term from the beginning. Of the AP. अब इसको अपन चेंज कर देंगे रिवर्स ऑर्डर में. माइनस 62 ... 4, 7, 10. यानी अब आपको क्या निकालना, 11 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग से निकालना है. तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट राइट द फार्मूला. nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो अप्लाई दिस फार्मूला. a मीन्स फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म कितनी है, माइनस 62. सो इन प्लेस ऑफ ए राइट माइनस 62. अब नाउ राइट प्लस साइन. देन एन माइनस 1, एन मीन्स 11, सो 11 माइनस 1. अब नाउ राइट कॉमन डिफरेंस.
कॉमन डिफरेंस मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म तो यहाँ है ही नहीं। एपी में क्या होता है, किन्हीं भी दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस हो इक्वल होता है, तो अपन लास्ट से भी निकाल सकते हैं। सेवन माइनस फोर सो वी गेट थ्री, टेन माइनस सेवन वी गेट थ्री, सो कॉमन डिफरेंस इज थ्री, टेन माइनस सेवन इज इक्वल टू थ्री। नाउ सिंप्लीफाई, माइनस सिक्सटी टू प्लस इलेवन माइनस वन टेन इंटू थ्री, सो माइनस सिक्सटी टू प्लस थर्टी इज इक्वल टू माइनस थर्टी टू। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन अ फ्लावर बेड देर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकंड, 19 इन द थर्ड एंड सो ऑन। देर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। सो द नंबर ऑफ रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, सेकेंड रो, इन फर्स्ट रो हाउ मेनी 21, सेकेंड रो 19, सॉरी इन फर्स्ट रो 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकेंड, 19 इन द थर्ड एंड डॉट 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 डॉट, और इन लास्ट वन हाउ मेनी 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, डॉट 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 डॉट, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड एंड लास्ट 5। क्वेश्चन इज हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, मीन्स वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ रोज, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एपी। सिंस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 23, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो 21 माइनस 23 माइनस 2, यू कैन ऑल्सो क्रॉस चेक, 19 माइनस 21 माइनस 2, लास्ट टर्म इज इक्वल टू 5 एंड एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब नाउ अप्लाई फार्मूला, लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, l इक्वल टू 5, a इक्वल टू 23 प्लस n वी हैव टू फाइंड, और कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस 2, सो डोंट राइट इन दिस वे, राइट इन ब्रैकेट 5 माइनस 23 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एन, माइनस 2n प्लस 2, सेंड टू डेट साइड, सो माइनस 18 माइनस 2 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 2n, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, सो माइनस 20 अपॉन माइनस, सॉरी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय माइनस 2, सो माइनस 20 अपॉन माइनस 2 प्लस 10, सो नंबर ऑफ रोज इन फ्लावर बेड इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ सम ऑफ रुपीज 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। सो फर्स्ट फार्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, टेल मी फार्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, एस आई पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो फर्स्ट राइट फार्मूला, अब नाउ कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, सो देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, पी मीन्स 1000 प्रिंसिपल,
रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 एंड टाइम 1 आफ्टर 1 ईयर एंड अपॉन 100. सो 1010 कैंसिल. सो 10 इंटू 8 80. सो रुपीज 80. आफ्टर दिस सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू अगेन अप्लाई सेम फार्मूला पी इंटू आर इंटू प्रिंसिपल इज सेम 1000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 एंड आफ्टर एंड ऑफ सेकेंड ईयर सो टाइम इज 2 ईयर अपॉन 100 20 एंड 20 कैंसिल. सो 8 टू जा 16 10 जा 160 सो रुपीज 160. नाउ फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल टू 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 इंटू टाइम 3 ईयर्स अपॉन 100 20 कैंसिल 8 3 जै 24 सो 240. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर फोर्थ ईयर आफ्टर फिफ्थ ईयर एंड एडेडिश. और क्वेश्चन इज डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी. सिंस सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड डॉट 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 आर थर्ड सॉरी सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर डॉट 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 आर 80 160 240. ड्यूरिंग कैलकुलेशन डोंट राइट रुपीज रुपीज 80 रुपीज 160 रुपीज 240. सो दिस इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर. अब नाउ चेक डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी. सो चेक सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 80 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 80 यस यस इट इज एन एपी. इफ सो फाइंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स. सो देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स इज इक्वल टू 30th term of the AP 80 160 240 and dot 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 because interest after 1 year 80 interest after second year 160 interest after third year 240 so interest after 30 years 30 term of the AP this. I'm now find 30 term. Everyone know formula nth term is equal to a plus n minus 1 into d. So apply this formula. First term is 80 plus number of terms 30 and common difference 160 minus 80 80 or 240 minus 160 80. Now simplify 80 plus 30 minus 1 so 29 into 80. और यदि आप इस तरह से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा. देखो कैसे 30 इंटू 80 माइनस 1 इंटू 80 सो 80 सो 80 और 80 कैंसिल एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस वेरी सिंपल सो 8 3 जाए 24 एंड 20 सो रुपीज एट लास्ट राइट रुपीज 2400. सो इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर इज रुपीज 2400. नेक्स्ट लेक्चर We will do more questions. Thank you. Have a nice day.